बाइक की कीमत में पाई ये जबरदस्त कार, गर्मी हो या बरसात मिलेगा आराम, पेट्रोल डीजल की भी नहीं है जरूरत। तो जैसे कि दोस्तों रेनो की एकदम नई और स्मार्ट कार होने जा रही है भारतीय बाजार में लॉन्च, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इटली में पहले चल रहे 2017 में ड्विंगो मोटर शो के अंदर रेनो ने अपनी एक नई ड्विंगो GT कार को पेश किया था। फ्रांस में दोस्तों इस कार को काफ़ी लोकप्रियता मिली है, तो रेनो ट्विंगो GT को भारतीय बाजार में रेनॉल्ड्स अब ग्राहकों को देखते हुए हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। बताना चाहेगी कि दोस्तों ये कार रेनॉल्ड्स टाइबर के और रेनॉल्ड्स क्विड के तेज पर आधारित की गई है, और साथ ही साथ रेनो ट्विंगो GT को स्पोर्टी लुक देने के लिए कार में कई मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं। कार के चेसी रेनो की स्पोर्टी टीम ने तैयार की है, जिसमें आप सभी को काफ़ी अच्छे ग्रिल देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इसका स्टाइलिश बम्पर और साथ ही साथ 17 इंच के व्हील इस कार में आपको देखने को मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो कार में आपको स्पोर्टी ब्रेजर और डोर देखने को मिलते हैं, और अलॉयमेंट पैडल और जमाइका ग्रिल लीवर नॉर्म्स और साथ ही साथ लेदर फिनिशिंग वाली सीट्स कवर, जिसपे आपको ऑरेंज रंग की पट्टी देखने को मिलती है। इसके साथ ही स्टीयरिंग व्हील की सेंट्रल पोजीशन पे रखा गया है और ईयर वेंट्स जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। अब बारी आती है पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रेनो ट्विंगो GT में आपको 0.9 लीटर का TCE 110 SS इंजन का रेनॉल्ड्स ने प्रयोग किया है। ये इंजन दोस्तों आपको 5,750 RPM पे 80 kWh की पावर और 2,000 RPM पे आपको 170 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में जबरदस्त पावर रखता है। इसके साथ ही GT वेरिएंट में आपको रियर लेफ्ट हैंड पे विंग्स के अंदर आपको एयर डैम देखने को मिलता है, जिसकी मदद से इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है और इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए 12% तक मदद मिलती है। दोस्तों आपको एक खास बात बताना चाहूँगा कि रेनॉल्ड्स अपनी टीम को GT को भारतीय बाजार में बिल्कुल नए अंदाज में लॉन्च करेगी। जापानी मार्केट में दोस्तों ये ऑलरेडी उपलब्ध है, उसके मुकाबले अब इस कार के अंदर भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद आपको बड़ा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की सुविधा के साथ आता है। जबकि प्री फैसली वेरियंट भी इसका भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, जिसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों ही सिस्टम के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की सुविधा देखने को मिलती है, और इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरी तरीके से नया कर दिया गया है और ये पूरी तरीके से डिजिटल है। AC वेंट्स पर भी कंपनी ने क्रोम की फिनिशिंग अब आप सभी को दे दी है, और लुक कुल मिला के ये अब ऑटोमेटिक फील आप सभी को करवाएगी। अब दोस्तों बारी आती है कीमत और लॉन्चिंग के बारे में, तो रेनॉल्ड्स अपनी नई GT ट्विंगो को भारतीय बाजार में 2 वेरिएंट में हम सभी के लिए उतारने वाली है, जिसमें पहला वेरिएंट आपका नॉर्मल होगा और दूसरा वेरिएंट होगा दोस्तों प्री फैसली वेरिएंट। स्टार्टिंग कीमत दोस्तों इस कार की भारतीय बाजार में मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए मात्र 3.20 लाख रुपीज स्टार्टिंग रखी है। अगर इसके टॉप वेरियंट की बात करें, जो कि प्री फैसली वेरियंट है, जिसमें आपको सारे ही एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, उसकी स्टार्टिंग कीमत दोस्तों 4.50 लाख रुपीज रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी हमारे लिए बात है। तो आप सभी को पता है कि दोस्तों रेनॉल्ड्स अपनी कारें काफ़ी कम बजट में भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च करती है। रेनॉल्ड्स क्विड को ही देख लीजिए, काफ़ी अच्छी कार है और माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा देती है। अगर इस कार की माइलेज की बात करी जाए तो दोस्तों रेनॉल्ड्स की नई ट्विंगो GT आप सभी को 27.80 mpl का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो भारतीय बाजार में दोस्तों जल्द लॉन्च होने वाली है, इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।